हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, पोस्ट मिड टर्म में मैंने आपको एक स्टोरी लिखवाई थी और स्टोरी का नाम था लॉयन एंड ए माउस। वही स्टोरी बच्चों आपकी एनुअल में भी आएगी, क्योंकि उसमें पोस्ट मिड में आपका स्टोरी और ऐसे नहीं आए थे। अब की बार आपके वो यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, स्टोरी और लेटर अब की बार एनुअल एग्ज़ाम में है। पहले मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सुनने के बाद बच्चों सभी को लर्न भी करनी है, कॉपी में लिखनी है और स्पेलिंग डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स को लिख कर भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सेंटेंस वाइज मैं आपको स्टोरी समझा दूँ। ए लॉयन एंड ए माउस, एक शेर की और एक चूहे की कहानी है ये। और आपको बच्चों हिंदी में तो ये कहानी सब बच्चों ने सुनी ही होगी, सबको पता ही होगा, बट चलिए एक बार मैं आपको समझा दूँ। वंस देयर लिव्ड ए लॉयन एंड ए माउस, एक बार एक लॉयन और एक माउस रहते थे। द लॉयन वॉज स्लीपिंग एंड द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। द लॉयन वॉज स्लीपिंग, लॉयन तो सो रहा था, एंड द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट, और माउस ने लॉयन के ऊपर खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे लॉयन सोया हुआ था तो माउस चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। इट आ रहा है बच्चों यहाँ पर किसके लिए? लॉयन के लिए, है ना, क्योंकि एनिमल के लिए इट आता है। ये मैं आपको बताती हुई चलती हूँ ग्रामर पोर्शन में, ठीक है। द लॉयन वॉज डिस्टर्ब, इस बात से लॉयन बड़ा डिस्टर्ब हो गया। एंड कॉट अप, और उसको पकड़ लिया, किसको? माउस को। द माउस एंग्रीली, गुस्से से माउस को उसने पकड़ लिया लॉयन ने। देन इट प्रेड द लॉयन टू लिव हिम ऑफ, तब उसने, अब यहाँ पे इट आ रहा है माउस के लिए, ये वाला इट अब यहाँ पर माउस के लिए आ रहा है। देन इट प्रेड द लॉयन, तब उसने माउस ने लॉयन से प्रे की, प्रार्थना की, टू लिव हिम ऑफ, कि उसको छोड़ दे। एंड एश्योर्ड, और ये एश्योर किया, ये निश्चित किया, दैट इट वुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेगा, व्हेन इट नीडेड, जब भी उसे नीड होगी, ज़रूरत होगी। द लॉयन लाफ्ड एट इट, लॉयन इस बात पर हंसा। अब इट यहाँ पर आ रहा है माउस के लिए, ठीक है। एंड लेट हिम गो, और उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। वन डे, अब ये सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएंगे। वन डे द लॉयन वॉज कॉट इट इन ए नेट स्प्रेड बाय हर हंटर, एक दिन लॉयन जो है वो एक जाल में फंस गया, और वो जाल किसने डाला था? एक हंटर ने, हंटर शिकारी ने, स्प्रेड बाय, स्प्रेड मीन्स फैला दिया, हंटर ने एक जाल को फैलाया और उस जाल में वो लॉयन फंस गया। इट रोड, वो बहुत दहाड़ा। अब यहाँ पे इट जो आया वो किसके लिए आया? लॉयन के लिए। एंड ट्राइड टू एस्केप, और उसने बचने की खूब कोशिश की, बट इन वेन, बट वो सब व्यर्थ रहा, बेकार रहा। द माउस केम देयर, वहाँ पर माउस आया, एंड स्टार्टेड कटिंग द नेट विद इट्स टीथ, और उसने उस नेट को अपने दांतों से काटने की कोशिश, दांतों से नेट को काटना शुरू कर दिया। द लॉयन एस्केप्ड, लॉयन बच गया, उसने अपने आप को बचा लिया। एंड थैंक द माउस, और उसने उस चूहे को धन्यवाद दिया। तो बच्चों, ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको समझाई हिंदी में, है ना, और आपको ये इंग्लिश में लर्न करनी है। और इस स्टोरी का जो मोरल है, देखते हैं वो मोरल क्या है। मोरल है यहाँ पर, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, हर किसी की अपनी कीमत होती है, अपनी वैल्यू होती है। किसी को भी कभी भी छोटा ना समझे, तुच्छ ना समझे, जैसा कि लॉयन ने माउस को समझा था कि तुम तो बड़े छोटे से हो, तुम मेरे क्या काम आ सकते हो, है ना। लेकिन देखो वो माउस लॉयन के कितना काम आया, कि जब हंटर ने नेट को स्प्रेड कर दिया, डाल दिया, और उसमें फंस गया लॉयन, तो माउस ने आकर उसकी कैसे हेल्प की, कैसे जाल को काटा और उसको बचा लिया, उसको मुक्त कर दिया। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आपको पहले क्लास में भी समझाई जा चुकी है, बट चलिए आप वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, और वीडियो को पूरी देखें बच्चों, कोई भी वीडियो आप इनकम्प्लीट ना रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।